रजनीश मिश्रा है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ सफ़र कर रहा हूँ। रेलवे का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह का एक्सपीरियंस पहली बार भारत में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो अक्सर बाहर के देशों में देखने को मिलता है। इसका तो काफ़ी अच्छा है, मेरा बेटा काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, मेरी वाइफ इन्जॉय कर रही है, हम पूरे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। भारतीय रेल पीयूष गोयल जी और केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस ट्रेन में पहली बार विस्टा डोम कोच लगाया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से विस्टा डोम कोच है और जो साइड ग्लास है, ऊपर वाला ग्लास है, तस्वीरें देखिए किस तरह से मनमोहक दृश्य है। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए हर तरफ कांच ही कांच लगाया गया है, जिससे आप आसपास की तस्वीरें देख सकते हैं। मुंबई पुणे मार्ग पर यात्री नदी, घाटी, झरने आदि दृश्य को आनंद भरपूर ले सकते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें हैं और कुर्सियाँ भी आप घुमा सकते हैं। सुनिए यात्रियों का क्या कहना है। और थैंक यू सो मच इंडियन रेलवे, सेंट्रल रेलवे और पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टूरिस्ट के लिए इतनी अच्छी ट्रेन बनाई है इन्होंने, और काफी मस्त लग रहा है। ऐसे धीरे धीरे ट्रेन और आनी चाहिए, ऐसे मस्त ट्रेन। मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्री अब माथेरन की पहाड़ी, जो कि नेरल के पास है, सोनगिरी की पहाड़ी जो कि पलसधरी के पास है, उल्लास नदी जो कि उल्लास नगर में है, उल्लास घाटी, खंडारा एवं लोनावाला आदि, दक्षिण पूर्व घाट, झरने, सुरंग के क्षेत्र, सुरंग पास से गुजरती हुई प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक को नज़दीक से देखने का आनंद ले सकते हैं इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री। इस विस्टा डोम कोच के विशेष आकर्षण में चौड़ी चौड़ी खिड़कियां, शीशे के कांच, छत जो कि शीशे के हैं, घूमने योग्य सीटें। डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से प्रतिदिन सुबह 7 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11:05 पर पुणे पहुंचेगी। यही ट्रेन प्रतिदिन पुणे से 15:15 पर रवाना होगी और उसी दिन 19:05 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचेगी। यह ट्रेन दादर, थाने, कल्याण, नेरल, लोनावाला, तालेगांव, खड़की और शिवाजी नगर रुकेगी। नमस्कार साथियों, आप सबको पता होगा कि मुंबई मंडल मध्य रेल अभी डेक्कन एक्सप्रेस में 26 तारीख से विस्टाडोम कोच लगाने जा रहा है, जो कि इस रूट पे पहला विस्टाडोम कोच होगा। विस्टाडोम कोच ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। विस्टाडोम कोच में क्या होता है कि जो ऊपर रूफ होती है वो शीशे की होती है, साइड में ग्लासेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्लस जो पीछे वाला जो रियर साइड होता है उसमें ग्लासेस होते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलता है। प्लस उसमें क्या किया गया है, ये कोच विस्टाडोम कोच ICF ने बनाया है, और उसमें क्या किया गया है कि एयर कंडीशन है पूरी तरह से, सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, जो कि आगे पीछे घूम सकती हैं, और एक कंफर्ट लेवल पे काफ़ी ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो ये रूट हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि जब गाड़ी चलेगी यहाँ से लेकर पुणे तक, तो जो है यहाँ पे हमारा घाट सेक्शन आएगा। घाट सेक्शन में स्पेशली काफ़ी एक सुंदर व्यूज़ है, जो हमारा जो करजत से लोनावाला का जो घाट है, स्पेशली मॉनसून सीज़न में काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे एक वेदर रहता है, झरने दिखते हैं, तो मुझे लगता है जो हमारी ट्रैवलिंग पब्लिक है उनको काफ़ी इसमें आनंद आएगा। डेक्कन एक्सप्रेस जब ये लॉकडाउन लास्ट ईयर चालू हुआ था 23 मार्च 2020 को, तब हम लोगों ने इस गाड़ी को बंद किया था, तो करीब 1.5 साल बाद इस गाड़ी को हम दोबारा से चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका ज़रूर आनंद लेंगे। इस बार इस हमारे पास एक पुराने भी विस्टाडोम कोच थे जिसमें करीब 40 सीट हुआ करती थी, जो नया विस्टाडोम कोच अभी बनाया गया उसमें 44 सीट हैं, यानी कि 4 सीट बढ़ा दी गई हैं। ये इसमें वाईफाई इनेबल्ड है और इसमें और कई सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई हैं। तो मैं अपने सारे जो हमारे एस्टीम्ड पैसेंजर्स हैं, जो एस्टीम्ड कम्यूटर्स हैं, मैं उन सब से
निवेदन करना चाहूँगा कि इसका जरूर एक्सपीरियंस लें, अपने फैमिली के साथ आएँ, आनंद लें, और मुझे उम्मीद और आशा है कि अवश्य आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।